हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे मे हैव, माइट हैव, वुड हैव और मस्ट हैव में क्या डिफरेंस है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इसको यूज करने में अटक जाते हैं। इसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं, क्या इसका करेक्ट यूज होता है, इसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या एक की जगह दूसरे का यूज कर सकते हैं, नहीं, सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। मैं आपको सारा डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव बताऊंगा ताकि आप भी इसको बिना अटके बिना रुके इसका यूज कर सके। तो आइए जान लेते हैं मे हैव, माइट हैव, वुड हैव और मस्ट हैव। अगर इसकी हिंदी की बात करें, पहले इसके मीनिंग की बात करते हैं। इन सभी का यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, किसी में कम पॉसिबिलिटी, किसी में ज़्यादा पॉसिबिलिटी, किसी में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी। वो किस तरीके से, पहले एक सेंटेंसेस लेते हैं। भारत मैच जीत चुका होगा, भारत मैच जीत चुका होगा। इसके लास्ट में आता है कोई काम हो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, किया होगा, की होगी, किए होंगे। कहने का मतलब है ये फ्यूचर का नहीं है सेंटेंस, ये सेंटेंस है प्रेजेंट का। अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। पास्ट में कोई काम हो चुका होगा, पास्ट में काम खत्म हो गया, लेकिन हम लोग प्रेजेंट में रह करके बोल रहे हैं कि कोई काम हो चुका होगा। फ्यूचर की बात यहाँ पर, फ्यूचर से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको फ्यूचर नहीं बताना हो, पास्ट की बात बता रहे कि पास्ट में कोई काम हो चुका होगा, जैसे मम्मी ने खाना बना ली होगी, ठीक है, पापा घर आ चुके होंगे, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम लोग इन सभी जो है मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि यूज करें तो करें कहाँ। सबसे पहले बात करते हैं माइट हैव की। माइट हैव का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लेस पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ, जैसे कि पापा शायद ही घर आ चुके होंगे, मम्मी ने शायद ही खाना बना लिया होगा। तो यहाँ पर शायद ही, ये जो वर्ड आया ना शायद ही, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं माइट हैव का। किस तरीके से, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पापा शायद ही घर आ चुके होंगे, द फादर माइट हैव कम होम, द फादर माइट हैव कम होम, या पापा माइट हैव कम होम। नेक्स्ट सेंटेंस, भारत शायद ही मैच जीत चुका होगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इंडिया माइट हैव वॉन द मैच, इंडिया माइट हैव वॉन द मैच, शायद ही उसने मुझे बताया होगा, ही माइट हैव टोल्ड मी, ही माइट हैव टोल्ड मी। अब आते हैं, बात करते हैं मे हैव की। अगर 50% आपको पॉसिबिलिटी दिखाना हो, 50% संभावना दिखाना हो कि कोई काम हुआ होगा, आपको 50% विश्वास है, तो आप यूज कीजिए मे हैव का। जिस तरीके से भारत मैच जीत चुका होगा, इंडिया मे हैव वॉन द मैच, इंडिया मे हैव वॉन द मैच, पापा घर आ चुके होंगे, पापा मे हैव कम होम, पापा मे हैव कम होम, मम्मी खाना बना चुकी होगी, मॉम मे हैव कुक्ड फूड, मॉम मे हैव कुक्ड फूड। ये तो मे हैव की बात हो गई। यदि आपको वुड हैव का यूज करना हो तो वुड हैव जो है मे हैव से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यदि आपको 70% या 80% दिखाना हो तो आप वुड हैव का यूज कीजिए। जिस तरीके से इंडिया मैच जीत चुका होगा तो इंडिया वुड हैव वॉन द मैच, इंडिया वुड हैव वॉन द मैच का मतलब हुआ कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, 70% से 80% पॉसिबिलिटी है कि भारत ने मैच जीत लिया होगा। अगर बोलना हो वो घर आ चुका होगा तो ही वुड हैव कम होम, ही वुड हैव कम होम, मतलब कि 70% से 80% चांस है कि वो घर आ चुका होगा, पास्ट में कोई काम हो चुका होगा, तुमने इस पक्षी को मारा होगा, यू वुड हैव किल्ड दिस बर्ड, यू वुड हैव किल्ड दिस बर्ड। अब बात करते हैं मस्ट हैव की। मस्ट हैव का यूज करते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, निश्चित ही, जरूर ही, जैसे कि पापा निश्चित ही घर आ चुके होंगे, या पापा जरूर ही घर आ चुके होंगे। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे फादर मस्ट हैव कम होम, फादर मस्ट हैव कम होम। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने जरूर सबको बता दिया होगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही मस्ट हैव टोल्ड एवरीवन, ही मस्ट हैव टोल्ड एवरीवन। भारत जरूर मैच जीत चुका होगा, या भारत निश्चित रूप से मैच जीत चुका होगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इंडिया मस्ट हैव वॉन द मैच, इंडिया मस्ट हैव वॉन द मैच। अब देखते हैं वो सारे सेंटेंसेस जो आपको थंबनेल में देखे होंगे। उसकी एक गर्लफ्रेंड होगी,
उसकी एक गर्लफ्रेंड होगी। कहने का मतलब है यदि आपको कम पॉसिबिलिटी दिखाना हो, शायद ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, तो इसके लिए बोलेंगे ही माइट हैव एनी गर्लफ्रेंड। ही माइट हैव एनी गर्लफ्रेंड मतलब शायद ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। अगर 50% चांस है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड होगी, ही माइट हैव अ गर्लफ्रेंड। ही माइट हैव अ गर्लफ्रेंड शायद उसकी एक गर्लफ्रेंड होगी। अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाना हो, ही वुड हैव अ गर्लफ्रेंड, कहने का मतलब 70-80% उसका गर्लफ्रेंड होगा। अगर जरूर उसका एक गर्लफ्रेंड होगा या निश्चित रूप से उसका एक गर्लफ्रेंड होगा। ही मस्ट हैव अ गर्लफ्रेंड, ही मस्ट हैव अ गर्लफ्रेंड, तुम्हारे पास पैसे जरूर होंगे। यू मस्ट हैव मनी, यू मस्ट हैव मनी। यहाँ आप एक बात ध्यान रखिएगा, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव या वुड हैव के बाद मैंने कोई वर्ब यूज नहीं किया, नाउन यूज किया। तुम्हारे पास ज़रूर एक कार होगा, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू वुड हैव अ कार, या अगर ज़रूर होगा तो यू मस्ट हैव अ कार, यू माइट हैव अ कार, शायद ही तुम्हारे पास एक कार होगा। कहने का मतलब है सिंपल तरीके में कि कोई भी आदमी के पास, किसी भी इंसान के पास कुछ होगा तो वहाँ पर हम लोग इन सभी मॉडल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। हे गाइस, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को वेट कर ले, सो दैट रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, टेक योरसेल्फ, बाय बाय।